हेलो एवरीवन, पिछले वीडियो में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में देख लिया था। इसमें हम देखेंगे कि रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ क्या होती है। रियल डेप्थ होती है जो उस ऑब्जेक्ट की रियल डेप्थ होगी, ठीक है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये एक्चुअल में यहाँ पे है, लेकिन ये यहाँ दिखाई दे रही है। ये किसकी वजह से होता है? ये हम अभी रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे, तो ये किसकी वजह से होता है? रिफ्रैक्शन की वजह से, कि ऑब्जेक्ट जो है एक्चुअल पोजीशन से डिफरेंट पोजीशन पे दिखाई देती है, ठीक है। जो रियल डेप्थ है और जो अपेरेंट डेप्थ है, जैसे अभी ये मीडियम कैसा है? रेयरर मीडियम है। और ये मीडियम कैसा है? डेंसर मीडियम है। तो हमें जब हम जो ऑब्जेक्ट होता है वो डेंसर मीडियम में होता है और जो ऑब्जर्वर होता है वो रेयरर मीडियम में होता है, तो जो रियल डेप्थ होती है ना वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अपेरेंट डेप्थ। मीन्स हमें दिखाई जो है ना कम डेप्थ पे देगी, कम नीचे दिखाई देगी, हमें लगेगी ऊपर ही है ये ऑब्जेक्ट, लेकिन एक्चुअल में वो नीचे होती है, ठीक है। दूसरा जो है आपका एग्ज़ाम्पल देखो, ये भी किसकी वजह से होता है? जो आपको सनसेट का जो टाइम है, 2 मिनट का जो आप डिफरेंस देखते हो, वो क्या है कि आपके सन की एक्चुअल पोजीशन ये होती है और हमें अपेरेंट पोजीशन दिखाई देती है। ये भी किसकी वजह से है? रिफ्रैक्शन की वजह से है। हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे, उसी में हमने अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंपैरिजन भी पढ़ा था, ठीक है। ये केस, दोनों केस है। फर्स्ट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम। जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होगी तो ऑब्जेक्ट हमें कैसे दिखाई देगी? जो रियल डेप्थ है वो ज़्यादा होगी, रियल डेप्थ इज मोर देन अपेरेंट डेप्थ। और दूसरा केस क्या है कि अगर आपका ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में है और ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में है, तो रियल डेप्थ क्या होगी? कम दिखाई देगी, रियल डेप्थ इज लेस देन अपेरेंट डेप्थ। बस आप ये याद रखिए कि जब हमारा ऑब्जर्वर रेयरर मीडियम में है और ऑब्जेक्ट हमारी, आपने कई बार देखा होगा, आप बकेट वगैरह में कोई ग्लास वगैरह पड़ा हो, आप उसको देखते हैं तो आपको दिखाई देता है ऊपर सा, या फिर उसका जो बकेट का जो बॉटम है वो आपको ऊपर दिखाई देता है, एक्चुअल में वो डेप्थ में होती है। अब एक बहुत अच्छा सा टॉपिक है जिस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? देखो, नाम से ही पता चल रहा है, टोटल इंटरनल मीन्स अंदर ही, और रिफ्लेक्शन हो जाए, आप सभी को पता है ये इंसिडेंट लाइट आई और ये वापस क्या होगी? रिफ्लेक्ट हो गई, है ना। और ये क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है, जो अंदर की तरफ होता है। रिफ्रैक्शन की आपको दोनों कंडीशन बता रखी है। कौन सी कंडीशन? व्हेन रेयरर से हम डेंसर में जाते हैं तो टोवार्ड द नॉर्मल, जो आपका रिफ्रैक्शन है, और जब हम डेंसर से रेयरर में जाते हैं तो हमारा अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है। अब देखना, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो क्या है कि मान लीजिए आपने कोई अंदर से बॉडी ली, वाटर बॉडी ली, या फिर यहाँ पे ग्लास ले लीजिए, कोई डेंसर ऑब्जेक्ट लिया, कंडीशन ही यही है कि जो दो सरफेस ऑफ मीडियम है, जो रे ऑफ इंसिडेंट लाइट होगी वो किस में ट्रैवल करेगी? शुड ट्रैवल इन द डेंसर मीडियम। यहाँ पे ग्लास ले लीजिए या कोई और जो ऑब्जेक्ट है वो ले लीजिए जो कि डेंसर हो एज़ कम्पेयर टू सेकेंड मीडियम के, तो ये जो है डेंसर है एयर से, वाटर भी डेंसर है एयर से, ठीक है। तो ये इंसिडेंट लाइट आई, इंसिडेंट लाइट जैसे इसमें इंसिडेंट लाइट फॉल हुई थी, ये आई, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया और ये हमारी क्या हो गई? रिफ्लेक्ट होगी। इसी तरह से इंसिडेंट लाइट आई और ये क्या हो गई? रिफ्रैक्ट हो गई, ठीक है। इतने पे हमने इंसिडेंस कराई, अब हमने एंगल चेंज किया, अब हमने यहाँ से इंसिडेंस कराया और क्या हो गई? 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो गई। यहाँ से जैसे इंसिडेंट लाइट आई, ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ये इंसिडेंस लाइट आई और ये नॉर्मल पे यहाँ की यहाँ, मतलब पूरा वापस ना जाके यहाँ पे क्या हो गई?
रिफ्रैक्ट हो गई, ठीक है। लेकिन अब हमने एंगल को इतना लिया, इस वाले एंगल से ज़्यादा लिया कि हमारी जो इंसिडेंट लाइट थी वो वापस की वापस क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। अंदर ही अंदर जब पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो जाए उसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। और ये जो एंगल होता है जिसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट जो है रिफ्लेक्शन शुरू कर देता है, कंप्लीट रिफ्लेक्शन, उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो इंसिडेंट रे है वो दो मीडियम के बीच में ट्रैवल करेगी, किस में मीडियम में ट्रैवल करेगी, डेंसर मीडियम में। सेकंड कंडीशन क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ऑफ टू मीडियम। इन दो मीडियम के बीच में जो क्रिटिकल एंगल होगा कि भाई कितने पे अप्लाई करें कि वो उसके बराबर आ जाए, मीन्स उसके बाद वो अंदर ही अंदर, वो लाइट अंदर ही अंदर ट्रैप हो जाए, ठीक है। वो होता है आपका वो जो एंगल है जिसके बाद वो लिमिट, जिसके बाद वो अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी, उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो जो क्रिटिकल एंगल है, जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस लेंगे वो हम क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा लेंगे। एप्लीकेशन क्या है, आपने देखा होगा गर्मी में सड़कों पे आपको ऐसे पानी दिखाई देगा, है ना, इस तरह से पानी जो है ना दिखाई देगा। ये किसका है कि लाइट हमारी अंदर ही अंदर क्या हो रही है, TIR का जो है ना ये एग्जांपल है। एक है आपका ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, ठीक है, डायमंड का जो है ब्रिलियंस मीन्स चमक, ठीक है। एक है आपका ऑप्टिकल फाइबर, जो आपके टेलीकम्युनिकेशन वगैरह में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो ऑप्टिकल फाइबर है, वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को फॉलो करती हैं। एक होता है मिराज इफेक्ट, ठीक है, मिराज इफेक्ट, ठीक है। अब देखो जो आपका डिपेंडेंस है क्रिटिकल एंगल का, ठीक है, क्रिटिकल एंगल जो म्यू होता है, म्यू रेयरर मीडियम टू डेंसर, ठीक है, वो कितना होता है 1/ साइन ऑफ IC। IC क्या है, क्रिटिकल एंगल है, मींस म्यू जो है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके, क्रिटिकल एंगल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और लैम्डा किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, म्यू के, ठीक है। तो ये किसके जो वेवलेंथ होएगी वो क्रिटिकल एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगी, जो भी लाइट हम डालेंगे उस लाइट की वेवलेंथ उसके क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगी, ठीक है। जैसे आप देखो वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट क्या होती है, ज़्यादा होती है वेवलेंथ ऑफ वायलेट लाइट से, ठीक है, LED, ठीक है, वायलेट जो आपकी लाइट होती है रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इट मींस क्रिटिकल एंगल ऑफ रेड लाइट इज मोर देन क्रिटिकल एंगल ऑफ वायलेट लाइट। आपसे ऑप्शन में दे देगा क्रिटिकल एंगल किसका ज़्यादा होगा रेड और वायलेट में से, तो आपको ऑप्शन दे दिया, मान लीजिए आपको इस तरह से क्वेश्चन दे देगा कि जो वेवलेंथ है रेड लाइट की वो ज़्यादा है वायलेट से, तो चार कंडीशन दे दी कि आइस रेड का जो है क्रिटिकल एंगल वो कम है, वायलेट से इक्वल है, लेस देन और इक्वल है, चार ऑप्शंस बना दिए। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि क्रिटिकल एंगल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ग्रेटर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेसर विल बी द क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अब हम इसमें जो आपका ये जो है ना जो लोअर क्लासेस तक का था वो कंप्लीट हो चुका है टिल 10th। अब हम इसका 11th 12th का जो लेंस है, जो लेंस के बारे में हमने पढ़ना है, ह्यूमन आई के बारे में जो हमने पढ़ना है, उसका हम लाइट में ना इंक्लूड करके एक अलग से सीरीज शुरू कर देंगे, दैट इज़ लेंस के बारे में कंप्लीट लेंस की डिटेल्स, उसमें लेंस फॉर्मूला और न्यूमेरिकल, ठीक है। और ये आपका यहाँ तक का कंप्लीट हो चुका है, इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में मैं यहाँ तक की जो है ना आपकी वो ले आऊँगी, वीडियो ले आऊँगी, यहाँ तक के न्यूमेरिकल ले आऊँगी, उसके बाद हम जो है लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।
अपने दोस्तों तक पहुँचाए।